शांति। आज 29 जून 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। प्रश्न है, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं तो सोतेले भी हैं, मातेले कौन? उत्तर है, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है। निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं, और जो मनमत पर चलते कभी निश्चय कभी संशय प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, वह है सोतेले। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे अप्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत ही जाग सजनिया जाग, ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि नया युग और पुरानी सृष्टि पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उनको ईश्वर कहो वा प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाए, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते उसको नाम रूप देश काल है नहीं। अरे उनका शिव नाम तो भारत में बाला है, जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है। उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धियोग लगे। किसी से शास्त्री डिबेट करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे कब और कौन सी रचते हैं? लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। सतयुग तो यहाँ का धाम है, परम धाम है वह जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती हैं। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग के राजा क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नरक बन गया है। नरक किसने बनाया और कब बनाया? माया रावण ने नरक बनाया। भारतवासियों को तो यह ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं। सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। भगत सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता है। इसलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है, तो उनके आने का स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। अब बाप कहते हैं कि मैं फिर से आया हूँ। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है, भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है, क्योंकि सब पतित हैं। वहाँ तो पतित जा न सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े। मेरा आह्वान करते हैं, भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएगी क्या? जब कोई आवे तो बोले बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं, हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, उनको तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, परंतु मिला नहीं। जब तब तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परमधाम से आना है। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेना पड़े,
पांच वर्ण भी मशहूर हैं, अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उनको पता नहीं है तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता। अब यह जो इतनी मार्जिन है, हम ही ब्रह्मा प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाप बाकी ज्ञान दो सेकंड की बात है, हम देवता बने। ओम शांति। ब्रह्मा नाम है तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, गोया यह ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल वासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा ही ईश्वरीय कुल, तुम हो उनकी औलाद जो सच्चे ब्राह्मण है, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मातेले है, कोई सौतेले है। मातेले जो हैं उनको तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना, सब इस संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, सबकी ज्योत जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योत बुझी हुई है। अब बाप को खिवैया बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं, उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर है, हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो, यह है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक हैं, निधन के हैं, धनी है नहीं जो उनको मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते नहीं, तो धनी को जरूर आना पड़े ना। तो बाप आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी हैं कि एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड, अगर गीता को खंडन नहीं करते तो यह भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधन को यानी अनाथों को आकर धन का बनाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय और कोई समझा न सके, और वह सब है भक्ति सिखलाने वाले। वहाँ तो ज्ञान की बात है नहीं, ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन न सके, ऐसे कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख तो कागविष्ठा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वह भी कागविष्ठा के समान ही होगी। मुक्ति तो देते नहीं है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको पूरा जानते नहीं हैं। अब बाप समझाते हैं कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब तो कंसपुरी हो गई है। अब बाप आकर फिर कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। सुख का समय शास्ति है, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वा हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई जानता नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे न सके।
तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे, जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जब तप माला आदि फेरते हैं ना, कहते भी हैं कि एक को याद करना चाहिए, इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता नहीं है। बाप कहते हैं कि अब सभी को वापिस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, बच्चों में भी कोई सौतेले हैं तो कोई मातेले हैं। सौतेले वह है जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं। कच्चे पक्के नंबर वार तो होते हैं, पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे, आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह न सके, बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना यह बाप का काम है, इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिया एक समान चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं, अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए, फिर क्रिमिनल एसॉल्ट हो न सकें, विकार में तो जा न सकें, यह ईश्वरीय लॉ कहता है। अभी बाप कहते हैं कि विष पीने पिलाने की वृत्ति छोड़ देनी है, हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना, जो नहीं मानते वह कपूत ही ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए, जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है। स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी, इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी कर नहीं सकेगी, वह कहेगी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, क्योंकि इस समय तुम बेगर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो कि हम अब बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ, वह तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं, वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापिस ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है। देह अभिमान को छोड़
विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर चल, सपूत बच्चा बनना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का वरदान है यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। विश्लेषण है, माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ न हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। आज का स्लोगन है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए एक ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्मों को जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, अब यह समझना तो एक सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठयोग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन देवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। अच्छा, ओम शांति।